इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, हम आपको बताएं, आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान, ये बड़ी जानकारी निकल रही है। आपको बताएं, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर के तारीखों पर आज ये तारीख, ये डेट्स सामने आ सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे का वक्त महाराष्ट्र झारखंड को लेकर के, जब तारीखों का ऐलान होगा कि चुनाव कब होना है, इन तारीखों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र झारखंड जहां चुनाव कब होने हैं, चलिए इसे लेकर के आशीष के पास ज्यादा डिटेल है, उनका रुख करेंगे। आशीष बताएं क्या क्या जानकारी है, 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। बड़ी खबर, एबीपी न्यूज से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान, उसके अलावा झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान होना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव का आगाज जो है महाराष्ट्र और झारखंड में हो जाएगा, नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। और जाहिर तौर पे बहुत बड़ी खबर कि महाराष्ट्र और झारखंड दो ऐसे राज्य जिसके बारे में चर्चाएं थी, पॉलिटिकल सर्कल में लोगों की नजरें थी कि कब यहाँ चुनाव घोषित होगा, वहां पर आज इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव के पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल आशीष, ये बहुत अहम होगा, कितने चरणों में चुनाव होना है, किन तारीख को चुनाव होना है, और अब इन दोनों बड़े राज्यों को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है, सभी पार्टियां अपने टिकट बंटवारे से लेकर तमाम तैयारियों में जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब सब कुछ होने का ये पीक टाइम है, क्योंकि आज बड़ी खबर 3:30 बजे पर निगाहें टिकी रहेंगी कि किस तरीके से ये शेड्यूल आता है। आशीष, अब देखिए इन दोनों ही बड़े राज्यों में चुनाव को लेकर के 3:30 बजे का वक्त जो नोटिफिकेशन है, इसके अलावा अगर कहें किस तरीके की जानकारी और है। जी देखिए, जैसा आपने बताया कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव कितने चरण में होंगे, किस तरीके के डिप्लॉयमेंट होंगे, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी, किन कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। चुनाव के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने हैं उनकी व्यवस्था और उनके चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी चुनाव आयोग देगा। देखिए, महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है इन दो, अगर हम महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र को चुनावों का मदर ऑफ इलेक्शंस कहा जा रहा है, विधानसभा चुनावों की, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों और चुनावी परिणाम को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी काफी दिलचस्पी है। जाहिर तौर पर बीजेपी बहुत बड़ी प्लेयर है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन बहुत बड़ी प्लेयर है, तो बड़े बड़े कद्दावर और दिग्गज महाराष्ट्र के चुनावों में पर नजर लगाकर बैठे हैं और उनके नतीजों का असर जाहिर तौर से होगा देश की राजनीति पर। झारखंड की बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो एक बड़ी प्लेयर है, बीजेपी एक बड़ी प्लेयर है, कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है, तो सबकी निगाहें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी, चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी, उस पर टिक गई है। बिल्कुल, अब सीधा रुख करते हैं अंकित गुप्ता का, जहां ये बड़ी खबर मिल रही है चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 3:30 बजे, अंकित के पास क्या जानकारी है, सीधा रुख करेंगे। अंकित जरा बताएं, सबसे बड़े जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है वो महाराष्ट्र, वो मुंबई, और एक तरफ जहां झारखंड को सेंसिटिव कहा जाता है वहां पे भी चुनाव को लेकर के बड़ी खास तैयारी की जाती है सुरक्षा के मद्देनजर, किस तरीके की जानकारी आपके पास है। जी बिल्कुल, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वहां पर जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन हमको जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकता है, वहीं झारखंड में, जिसका आपने जिक्र किया कि थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, लिहाजा 2 से 3 चरणों में वहां पर मतदान हो सकता है। तारीखें क्या हो सकती है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।